वेलकम। लेट अस सी प्रैक्टिस सेट 38। लास्ट वीडियो में हमने इसका बेसिक डिस्कस किया था, तो अगर बेसिक नहीं देखा है तो पहले बेसिक देख लो प्रैक्टिस सेट 38 के लिए। अगर हमें बेसिक अच्छे से आएगा तो ही हमें ये प्रैक्टिस सेट समझ में आएगा। लेट अस बिगिन विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड नेम द फॉलोइंग। हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है और फिर उसका नेम, एक नेम, नेमिंग देना है, और फिर यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे जो पूछा हुआ है वो आंसर हमें निकाल करके लिखना है। सो सबसे पहले द पैर ऑफ ऑपोजिट एंगल, फिर पैर ऑफ ऑपोजिट साइड, फिर पैर ऑफ एडजेसेंट साइड, द पैर ऑफ एडजेसेंट एंगल, द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल और द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन अ डिफरेंट वे। ये सारे जैसे है हमें फाइंड करके लिखना है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल जो है उसका नेम हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक मैं क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जैसे एक क्वाड्रिलेटरल मैंने ड्रॉ कर लिया है ऐसे, अब जैसे इसका जो नेमिंग है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो वो नेमिंग मैं दे रहा हूँ एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऐसे। तो इसको हम अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ पढ़ के, जैसे क्वेश्चन पढ़ना है द पैर ऑफ ऑपोजिट एंगल, तो हमें ऑपोजिट एंगल का नाम लिखना है। तो ऑपोजिट एंगल, जैसे एंगल W है और एंगल Y है, ये ऑपोजिट एंगल है तो इसका जोड़ी बनेगा। तो ये दो ऑपोजिट एंगल है, और एक है एंगल X और एंगल Z, तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल है, तो दो जोड़ी बन रहा है। तो हमें दो जोड़ी बना करके लिखना है। पैर मतलब हमें जोड़ी बनाना है ऑपोजिट एंगल्स की। इसको मैंने डीपली एक्सप्लेन किया था लास्ट बेसिक लेक्चर में, अगर नहीं देखा है तो देख लो, प्लेलिस्ट में जा कर के चेक करो प्रैक्टिस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के नाम के बेस पर, ये इसका बेसिक है तो वो देख लो, देन यू विल प्रॉपरली गेट, समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस सेट 38। सो सबसे पहले इसको लिखना कैसे है, तो ऐसे तो डायग्राम बना करके जैसे बोला था हमने ड्रॉ कर लिया है, एक रफ बुक में ड्रॉ करके फिर उसका जो है नेमिंग करना है। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन, मतलब जैसे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, तो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। उसका नेमिंग जैसे मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था ड्रॉ एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो मैंने एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये डायग्राम का नाम रख लिया है। तो ऐसे ड्रॉ कर लेना है क्वाड्रिलेटरल, डिफरेंट साइज का भी बना सकते हैं। अगर मुझे, जैसे मैं यहाँ पे एक और ड्रॉ कर रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल, तो वैसे डिफरेंट साइज का क्वाड्रिलेटरल भी बना सकते हैं, एनी साइज विल डू। तो ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया है, उसका नाम हमें बोला है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो इसका नेमिंग लिखना है एक्स Y, Z, W, यहाँ भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज लिखो या एंटी क्लॉकवाइज लिखो। क्लॉकवाइज जाएंगे तो ऐसे आएगा X, Y, Z, W, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आएगा X, Y, Z और W ऐसे। तो अब मैंने नेमिंग लिख लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, द पैर ऑफ ऑपोजिट एंगल, तो हमें ऑपोजिट एंगल का नाम लिखना है। तो एंगल X है ऑपोजिट टू एंगल Z, तो यहाँ पे एंगल एक्स और एंगल जेड ऑपोजिट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एंगल एक्स और ऑपोजिट एंगल जेड, तो ये हो गया एक एंगल का नाम, तो वो लिख लेना है। इसको थ्री लेटर में लिखना है, तो कैसे लिखा है एंगल, जैसे वाई एक्स ऐसे आ जाएगा, वाई एक्स डब्ल्यू, वाई एक्स डब्ल्यू, एंड दूसरा है एंगल, दूसरा एंगल है वाई जेड डब्ल्यू, वाई जेड डब्ल्यू, तो ये जेड, तो जेड बीच में आ जाएगा वाई जेड डब्ल्यू ऐसे। तो ये हो गया ऑपोजिट एंगल्स। तो ऐसे थ्री लेटर नेमिंग लिखना है। क्या लिया हमने, एंगल एक्स और एंगल जेड, मतलब ये सिंगल लेटर में लिख रहा हूँ एंगल एक्स एंड एंगल जेड, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स है, ऑपोजिट एंगल, बट हमें थ्री लेटर्स में लिखना है। ये वन लेटर में हो गया, ये थ्री लेटर में हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है, तो ऐसे हमें आंसर लिखना है। अब ये तो मैंने एक एंगल ले लिया, एक और एंगल है यहाँ पे एंगल Y और एंगल W, एंगल Y और एंगल W भी ऑपोजिट है, तो ऐसे सिंगल लेटर में कैसे लिखेंगे एंगल Y एंड एंगल W ऐसे।
तो एंगल y और एंगल w भी क्या है, ऑपोजिट एंगल है, इसको भी हम थ्री लेटर में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे है एंगल, एंगल x y z, मतलब y बीच में आना चाहिए क्योंकि एंगल y बन रहा है, तो y बीच में आना चाहिए, और कैसे लिख सकते हैं हम, w बीच में आना चाहिए, तो w बीच में आएगा तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे w बीच में आना चाहिए, तो कैसे बनेगा, जब w बीच में आना चाहिए तो z z w x बन सकता है या x w z बनेगा, तो देखो x w z ऐसे w बीच में आना चाहिए। इन दिस वे हमने दो पैर बना लिए हैं, एक बार हमने x और z को ऑपोजिट बताया और दूसरे बार में हमने y और w को ऑपोजिट बताया है, ऐसे दो एंगल ऑपोजिट है तो ऑपोजिट एंगल के नाम हमें पैर बनाकर लिखना है, तो यहाँ पे मैंने सिंगल लेटर और यहाँ पे ट्रिपल लेटर में बता दिया है। इम्पोर्टेंट ये है जो भी ऑपोजिट एंगल होते हैं, जो एंगल होते हैं वो बीच में आने चाहिए तो ही राइट होगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो इसमें मैंने सिंगल लेटर बताया, ये सिंगल लेटर बीच में आना चाहिए, चाहे हम एक्स वाई जेड लिख लें तो वाई बीच में आ गया, या जेड वाई एक्स लिख लें तो भी राइट है, बट वाई बीच में आना चाहिए। तो इन दिस वे वाई का जोड़ी डब्ल्यू से बन गया और एक्स का जोड़ी जेड से बन गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में है। तो हमें हमारा फर्स्ट आंसर हो गया है, तो ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर है, तो ये दो हमने पैर बना लिया है। लेट अस गो फर्दर, नेक्स्ट पार्ट में हमें द पैर ऑफ ऑपोजिट साइड बोला है, पैर ऑफ ऑपोजिट साइड, तो पैर ऑफ ऑपोजिट साइड मतलब हमें ऑपोजिट साइड की जोड़ी बनानी है, मतलब दो ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पे एक्स वाई दिख रहा है, यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स वाई का ऑपोजिट क्या है, डब्ल्यू जेड, तो यहाँ पे एक्स वाई का ऑपोजिट डब्ल्यू है, तो ऐसे हमें आंसर लिखना है, साइड एक्स वाई एंड साइड डब्ल्यू जेड आर ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऐसे। तो दूसरा एक और है, जैसे ये एक्स वाई और डब्ल्यू जेड ऑपोजिट हो गया, वैसे ही दूसरा है वाई जेड का ऑपोजिट है एक्स डब्ल्यू, तो वाई जेड का ऑपोजिट हो गया एक्स डब्ल्यू, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई जेड, या जेड वाई भी लिख सकते हैं, और एक्स डब्ल्यू है तो डब्ल्यू एक्स भी लिख सकते हैं ऐसे, बट दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो वाई जेड ऑपोजिट मतलब साइड ऑपोजिट टू एक्स डब्ल्यू, तो वाई जेड ऑपोजिट है एक्स डब्ल्यू को, तो वो लिख लेना है, तो ये हमारा दूसरा आंसर। तो ये हमने साइड जो ऑपोजिट साइड है वो निकाल के लिख लिए हैं, इससे पहले हमने एंगल लिखा था, अब हमने साइड निकाला है, तो साइड निकालना है तो ऐसे लिखना है। तो अभी हमारा दो पॉइंट सॉल्व हो गया है, पैर ऑफ ऑपोजिट एंगल हो गया, पैर ऑफ ऑपोजिट साइड हो गया, अब पैर ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला होता है, जैसे हमने स्टडी किया था बाजू वाला साइड किसको बोलते हैं, जो जिसका वर्टेक्स एक ही हो और उसके आसपास दो साइड हो, तो जैसे यहाँ पे एक्स से दो साइड ज्वाइन हो रहे हैं, दो आर्म्स आ रहे हैं एक्स, जिसमें आएगा एक्स डब्ल्यू और एक्स वाई, तो ऐसे साइड एक्स डब्ल्यू और एक्स डब्ल्यू और एक्स वाई, ये दोनों एडजेसेंट साइड है जिसके अंदर एक्स कॉमन आएगा, वैसे ही W कॉमन आना चाहिए, W कॉमन आएगा तो WX और WZ, तो WX और WZ, तो ये हो गया एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट मतलब जो साइड एकदम बाजू बाजू में टच हुआ रहता है एक दूसरे को ऐसे, तो ऐसे दो साइड को हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो ऐसे जोड़ी बनाना है, तो यहाँ पे दो हो गया, और भी जोड़ी बन रहा है, Z से बनेगा WZ और YZ, ऐसे हो गया जिसमें Z आ रहा है, तो डब्ल्यू जेड वाई जेड या जेड डब्ल्यू जेड वाई भी लिख सकते हैं, इसका नाम हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, जैसे वाई जेड था जेड वाई भी लिख सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट इसके बाद में एक और जोड़ी बनेगा वाई पे, क्योंकि वाई पे भी दो साइड ज्वाइन हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा जेड वाई और एक्स वाई, तो जेड वाई और एक्स वाई या वाई जेड या वाई एक्स भी वाई जेड या वाई एक्स भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया यहाँ पे वाई पे ज्वाइन हो रहा है, तो ये एक और साइड मिल गया हमें, तो ये सारे हमने एडजेसेंट साइड के जोड़ी निकाल लिए हैं। तो एडजेसेंट साइड मतलब जो एक पॉइंट पे एक वर्टेक्स पे दो आर्म्स ज्वाइन होते हैं उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो हमारा ऑपोजिट एंगल हो गया, ऑपोजिट साइड हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया, अब एडजेसेंट एंगल,
एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल मतलब एक ही साइड के पास में दो एंगल होते हैं, उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे एंगल एक्स और एंगल डब्ल्यू, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि ये दोनों एक्स वाई एक ही साइड के आसपास में दो एंगल है। तो वैसे ही वो एंगल का नाम लिखना है, तो हम इसको सिंगल लेटर लिख कर फिर डबल लेटर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंगल लेटर में अगर हम लिखते, जैसे हम सिंगल लेटर लिखेंगे फिर उसको ट्रिपल लेटर तीन तीन वर्ड तीन लेटर में लिखेंगे, तो सिंगल लेटर में क्या आएगा, जैसे एंगल वाई अगर हम ले रहे हैं तो एंगल वाई का एडजेसेंट है एंगल एक्स, तो एंगल वाई का एडजेसेंट है एंगल एक्स या एंगल जेड। तो मैं लिख रहा हूँ एंगल वाई का एडजेसेंट एंगल एक्स एंगल जेड ऐसे। तो एंगल वाई देखो और एंगल जेड देखो, देखो दोनों एक ही साइड पे दो एंगल आ रहे हैं, एंगल वाई और एंगल जेड। वैसे ही एंगल वाई और एंगल एक्स भी आ सकते हैं, तो एंगल वाई और एंगल एक्स भी आ सकते हैं, तो वो लिख लेना है। हम अपने ओन से लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंटिंग में देख सकते हैं सॉल्व किया हुआ है। तो ये सिंगल लेटर था, इसको थ्री लेटर्स में कैसे लिखेंगे, तो वाई बीच में आना चाहिए, वाई सेंटर में आना चाहिए, तो क्या बनेगा एक्स वाई जेड। तो एंगल एक्स वाई जेड एक हो गया, वाई बीच में आया, वैसे ही जेड बीच में आना चाहिए, तो क्या बनेगा डब्ल्यू जेड वाई। तो यहाँ पे एक और आ जाएगा डब्ल्यू जेड वाई, या डब्ल्यू जेड वाई लिखो या वाई जेड डब्ल्यू लिखो, जेड बीच में आना चाहिए। तो ये हो गए दो पैर ऑफ एंगल ऐसे थ्री लेटर में, और ये वन लेटर में मैंने डिस्क्राइब किया। वन लेटर में मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सेंटर में आना चाहिए इसीलिए। नेक्स्ट उसके बाद बहुत सारे एंगल बनेंगे, ये तो हमने एक साइड का बनाया है, वैसे ये साइड का बनेगा, ये साइड का भी बनेगा, ये साइड का भी बनेगा। तो जैसे अगर मैं ये साइड का बना रहा हूँ तो क्या हो जाएगा एंगल डब्ल्यू एंड एंगल जेड ऐसे, एंगल डब्ल्यू एंड एंगल जेड। तो इसको थ्री लेटर में कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू बीच में आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू बीच में आना चाहिए, तो एक्स डब्ल्यू जेड। तो एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, एंड दूसरा बनाना है अब Z बीच में आना चाहिए, तो डब्ल्यू जेड वाई, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू जेड वाई, ऐसे थ्री लेटर हो गया। सेम थिंग है, बस ये वन लेटर है, ये थ्री लेटर है। तो वन लेटर समझाने के लिए लिखा है, हमको एग्जाम में ऐसे थ्री लेटर में लिखना है। तो इन दिस वे एक्स डब्ल्यू जेड एंड डब्ल्यू जेड वाई, ये हमारे दो पैर हो गए, ये हमारे दो पैर हो गए, ऐसे जोड़ी हो गई, वन पैर हो गया ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मतलब एक ही साइड पे दो एंगल है। तो ये मैंने डब्ल्यू जेड का बनाया, एक्स एक्स डब्ल्यू का भी हम बनाएंगे, एक्स वाई का भी हम बनाएंगे, वैसे सारे बन करके टोटल थ्री पैर्स, मतलब टोटल फोर पैर्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर पैर बन जाएंगे जब एक्स और वाई का बना, डब्ल्यू और एक्स का बनेगा, वैसे ही Z और W का बनेगा, ऐसे सारे पैर्स बनते जाएंगे ऐसे। आई होप यू गॉट दिस के कैसे ये पैर्स बन गए, तो ऐसे हमें पैर्स बनाना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या पूछा था, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो दो डायगोनल होते हैं उनका नाम हमें पूछा है। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल, तो ये डायगोनल का नाम क्या है एक्स जेड। तो ऐसे लिखना है हमें आंसर, सेग एक्स जेड और सेग वाई डब्ल्यू। तो सेग एक्स जेड और सेग वाई डब्ल्यू आर द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स है, तो इन दिस वे हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल का जो नेमिंग है वो लिख लिया है। हमें बोला था यहाँ पे द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल होता है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर होता है। दो ऑपोजिट वर्टेक्स को जॉइन करोगे तो डायगोनल बन जाएगा ऐसे। तो इन दिस वे वी गॉट द डायगोनल। तो डायगोनल का नाम लिख लेना है, दो डायगोनल है सेग एक्सजेड और सेग वाई डब्ल्यू ऐसे। लेट अस सी फर्दर, और क्वेश्चन हमें क्या बोला था, नेम द क्वाड्रिलेटरल इन अ डिफरेंट वे। हमें क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखना है अलग अलग तरीकों से, मतलब डिफरेंट फॉर्म में लिखना है, तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे नेम्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे क्वाड्रिलेटरल के नाम लिखना है, तो नेम्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल
अब देखो नंबर वन जैसे बहुत सारे इसके नेमिंग्स बन सकते हैं, तो जैसे मैं अगर बना रहा हूँ एक्स वाई, क्वाड्रिलेटरल का नेमिंग हम कर सकते हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल का ऐसे सिंबल बनाना है और इसका नेमिंग करना है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक हो गया। अब दूसरा होगा वाई जेड डब्ल्यू एक्स, तो ऐसे हो जाएगा वाई जेड डब्ल्यू एक्स, और नेक्स्ट होगा जेड डब्ल्यू एक्स वाई, तो वो हो जाएगा जेड डब्ल्यू एक्स वाई, जेड डब्ल्यू एक्स वाई, नेक्स्ट हो जाएगा ऐसे डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो हो जाएगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे। तो ऐसे हमें क्वाड्रिलेटरल्स के नेम्स जितने भी बन रहे हैं वो हमें लिखना है। तो ये हमने क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जाके लिखा है, क्लॉकवाइज जाकर भी लिखना है तो और चार नेम आ जाएंगे, तो टोटल 8 नेम्स इसके बन सकते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के। तो ये हो गया नेम्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ऐसे। तो ये हमने एक और सॉल्व कर लिया है जो हमारा 6 क्वेश्चन था, तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व, तो मैंने चार नाम लिख दिया है एंटी क्लॉकवाइज जाके, तुम क्लॉकवाइज जाके चार नाम लिख के मुझे कमेंट में शो करो। लेट अस सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस सेट। सो सेकंड क्वेश्चन में इन अ टेबल गिवन बिलो राइट द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन, द पॉलीगॉन हैज, मतलब हमें जो जैसे जो भी डायग्राम होता है, जैसे एक डायग्राम है इसके कितने साइड्स होते हैं ये हमें बताना है। तो इसका जो नेमिंग किया हुआ है ऑलरेडी, तो हमें इसके साइड्स बताना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला है क्वाड्रिलेटरल, तो ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ था कि क्वाड्रिलेटरल के चार साइड होते हैं, तो ये 4 साइड। फिर उसके बाद है ऑक्टागॉन, तो ये हमने स्टडी किया हुआ है, ऑक्टागॉन के 8 साइड होते हैं। फिर है पेंटागॉन, पेंटागॉन के 5 साइड होते हैं। फिर है हेप्टागॉन, हेप्टागॉन के 7 साइड होते हैं। और हेक्सागॉन है, हेक्सागॉन के 6 होते हैं। तो बहुत इजी और सिंपल है। सबसे पहले जैसे क्वाड्रिलेटरल, फिर पेंटागॉन, फिर हेक्सागॉन, फिर हेप्टागॉन, फिर ऑक्टागॉन, और इसके बाद एक और आता है नोनागॉन। तो वो मैंने एक्सप्लेन किया था ऑलरेडी, हमारे जो इसका जो ये चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था उसमें एक्सप्लेन किया था, प्लेलिस्ट में जा करके देखो, सीखो, यू विल गेट इट। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सिंपल था, हमने सॉल्व कर लिया इसको ऐसे ही, क्वाड्रिलेटरल ये एग्जाम में मैच द कॉलम की तरह में आ सकता है। तो हमें उन लोग जैसे ये नेम्स दिए हो गए, हमें इसके साइड्स बताने हैं। लेट अस सी द थर्ड वन, लुक फॉर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगॉन इन योर सराउंडिंग, ड्रॉ देम। हमें अपने सराउंडिंग में आसपास में देखना है, तो जो भी हमें एग्जांपल्स दिखाई देते हैं पॉलीगॉन्स के वो हमें देखना है और उसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने प्रिंट आउट निकाला है जिसमें आसपास में देखने पर सेट स्क्वायर है हमारे पास, जो कंपास बॉक्स होता है ज्योमेट्री का कंपास बॉक्स, उसमें सेट स्क्वायर होता है। तो ये भी एक पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन मतलब इसके 1, 2, 3 साइड है, तो ऐसे इसको ड्रॉ कर लिया है। एक फ्लैग है, फ्लैग के 4 साइड होते हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है, तो ये एक पॉलीगॉन है, तो इसको मैंने ड्रॉ किया हुआ है। और एज वेल एज ग्रॉस सेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा छोटा जो फ्लावर है वो लेडी फिंगर्स, जैसे अगर हम अपना जो लेडी फिंगर जैसे जो भिंडी होता है, भिंडी को काट करके उसको इंक में डुबा करके उसका एक प्रिंट मारेंगे तो ऐसा शेप हमें दिखाई देने लगेगा, तो ये भी एक टाइप का पॉलीगॉन है। तो ये हमें दिखाई देता है, तो हमें मतलब एक टाइप का शेप्स है, तो ये पॉलीगॉन्स मतलब डिफरेंस टाइप के जो शेप्स होते हैं वो हमें जो भी दिखाई देते हैं वो हमें देखना है। एक हनी कॉम मोस्टली होता है, हनी बी जो अपना घर बनाती है वो भी एक हेक्सागॉन शेप में होता है, तो एक वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने 4 एग्जांपल ड्रॉ कर लिए हैं। तो जो भी हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, जो भी शेप्स हम देखते हैं उसे हमें ड्रॉ करना है। विंडो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, विंडो भी एक पॉलीगॉन है, तो विंडो के 4 साइड होते हैं, तो वैसे ही हमें ड्रॉ करना है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर में हमें क्या बोला है, वी सी द पॉलीगॉन व्हेन वी जॉइन द टिप्स एंड द पेटल्स ऑफ वेरियस फ्लावर
draw this polygon and write down the number of side of each polygon. तो यहाँ पे कुछ flowers लेने बोला है और flowers का तो मैंने इसका भी एक printout निकाल लिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं. सबसे पहला flower जैसे यहाँ पे white trillium का flower मैंने लिया हुआ है. ये फ्लावर अगर हम जैसे प्रिंट आउट तो नहीं ले सकते बट एग्जाम में हम ये फ्लावर को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. तो ऐसे फ्लावर ड्रॉ कर लेना है और उसको जैसे एक शेप जो इसका जो पेटल से इसका जो पत्ती होता है ये सबको मिला के एक शेप बनता है. तो ऐसे एक शेप हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक शेप बन रहा है तो ये आ गया ट्राइंगल शेप. तो ऐसे एक फ्लावर्स के थ्रू से एक पॉलीगॉन तैयार हो जाता है. वैसे ही पेरीविंकल एक फ्लावर है, अगर हम उसको सबको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे एक देख सकते हैं एक शेप तैयार होने लगेगा. ऐसे करके एक शेप जो है तैयार होगा और ये शेप को हम जैसे यहाँ बोल सकते हैं पेंटागॉन. तो पेंटागॉन का शेप क्योंकि इसके 5 पेटल्स है, 1 2 3 4 5, ये 5 पेटल्स को ज्वाइन करने पर प्रॉपरली स्केल से ज्वाइन करो ऐसा शेप दिखाई देगा. तो ऐसे हमें फ्लावर्स की हेल्प से ऐसे शेप्स निकालना है. अब जब 4 पेटल वाला फ्लावर होगा जैसे मॉर्निंग वेडो में देख सकते हैं 4 पेटल्स होते हैं, तो अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे जैसे थोड़ा सा स्केल से प्रॉपरली ज्वाइन करना है तो एक स्क्वायर शेप तैयार हो जाएगा. तो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, स्क्वायर शेप जैसा होगा. नेक्स्ट उसके बाद में लिली, लिली अगर लेंगे तो इसके कितने पेटल्स होते हैं, तो लिली के पेटल्स अगर हम काउंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हेक्सागन फॉर्म हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 पेटल्स हेक्सागन फॉर्म हो जाएगा. तो ऐसे इसको ज्वाइन, जैसे इसको ज्वाइन कर लेना है प्रॉपरली से, तो ऐसे 6 पेटल्स वाला यहाँ पे एक पेटल आ गया, यहाँ पे एक पेटल आ गया, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ऐसे करके 6 पेटल्स वाला एक फ्लावर रेडी हो जाएगा. तो इन दिस वे ये हेक्सागन है, ये क्वाड्रिलेटरल है. तो ऐसे हमें फ्लावर्स को ड्रॉ करना है, जितने हम पेटल्स रखेंगे वैसा उसका पॉलीगॉन ड्रॉ होगा. तो इन दिस वे ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया है. तो हमें फ्लावर्स ड्रॉ करना है, फ्लावर्स ड्रॉ करके उसके जो है पेटल्स की हेल्प से पॉलीगॉन बताना है, पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, मतलब उसके साइड कितने हैं वो काउंट करना है. नेक्स्ट उसके बाद है ड्रॉ अ पॉलीगॉन एंड डिवाइड इनटू ट्राइंगल्स, मतलब एक पॉलीगॉन ड्रॉ करो, मतलब एक जो डायग्राम है ड्रॉ करो और उसको डिवाइड करो ट्राइंगल्स में. तो वो हमें बाजू में देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है. तो ड्रॉ एनी पॉलीगॉन डिवाइड इन द ट्राइंगुलर पार्ट शोन हियर, डस वर्क आउट द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन. और हमें उसके एंगल्स का मेजर निकालना है पॉलीगॉन्स का. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने प्रिंट आउट में शो किया है कि कैसे होगा. तो यहाँ पे एक जो डायग्राम है वो हमने ड्रॉ कर लिया है और उसके अंदर जो जितने ट्राइंगल्स है वो बना लिए. तो ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 3, ट्राइंगल नंबर 4, एक एक वर्टेक्स से अलग अलग ट्राइंगल फॉर्म कर लेना है. अब इसमें 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल का मेजर 180 डिग्री है. कितना है? 180 डिग्री. तो 4 बार 180 डिग्री को हमें प्लस करना है तो हमें आंसर मिल जाएगा. तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल को हम नेमिंग दे रहे हैं तो सबसे पहले एक नेमिंग देने का, लेट द क्वाड्रिलेटरल बी ए बी स्क्वायर, लेट द ये हेक्सागन है तो लेट द हेक्सागन बी ए बी सी डी ई एफ. तो क्या हो जाएगा, द मेजर ऑफ हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ इज इक्वल टू 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180. ऐसे या तो 180 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 720. तो हमें इस पॉलीगॉन का मेजर मिल गया है 720. तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ था मैंने उसका उसका जो है मेजर फाइंड कर लिया है. कैसे फाइंड किया, जैसे ये ट्रायंगल 1 2 3 4, तो अब इसका मैं मेजर निकाल सकता हूँ. हर एक ट्राइंगल 180 डिग्री का है, ट्राइंगल का मेजर 180 डिग्री होता है. तो यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स है तो हम लिख सकते हैं कि 4 ट्राइंगल्स. सो मेजर ऑफ ट्राइंगल, मेजर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो देयरफॉर मेजर, मेजर ऑफ गिवन गिवन पॉलीगॉन, पॉलीगॉन इज इक्वल टू पॉलीगॉन, ये कौन सा पॉलीगॉन है, 1 2 3 4 5 6 साइड जिसमें होता है वो हेक्सागॉन है. तो हेक्सागॉन इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय 4.
क्योंकि इसमें फोर ट्राइंगल है तो 180 एक का मेजर है तो फोर से मल्टीप्लाई करना है, 180 मल्टीप्लाई बाय फोर, तो फोर जीरो जा जीरो, फोर एट जा, यहाँ पे साइड में वर्किंग करके बता रहा हूँ, 180 मल्टीप्लाई बाय फोर, फोर जीरो जा जीरो, फोर एट जा 32, टू थ्री, फोर वन जा फोर, फाइव सिक्स सेवन, 720, तो हमें आंसर मिल जाएगा 720 डिग्री। तो इन दिस वे हम मेजर फाइंड कर सकते हैं एक पॉलीगॉन का। तो ये मैंने शॉर्ट में स्टेप्स लिख के बताए, ये भी लिख सकते हैं या जैसे अपने टीचर्स ने स्कूल में दिया है वैसे भी स्टेप्स लिख सकते हैं, सिंपल और इजी है। आई होप यू गॉट दिस। तो यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल, टेक केयर।